हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परिवार आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर में कि हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तो सेकंड लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए ताकि हर जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो इस लेक्चर में बात करेंगे कि हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर वन है कि कन्वर्ट 100011 बेस टू टू डेसिमल नंबर फॉर्म। ये बाइनरी नंबर में दिया गया है, इसे डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले वो हम लिख लेंगे 100011 जिस भी बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है। और राइट साइड से देखो, पहले नंबर के नीचे 1, 1 2 जा 2, दूसरे के नीचे, तीसरे के नीचे 2, 2 जा 4, उसके नीचे 8, उसके नीचे 16, उसके नीचे 32 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जिस नंबर 1 के नीचे वाला नंबर 32 ले लेंगे और जीरो के नीचे का नंबर हम नहीं लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जीरो के नीचे के नंबर को इग्नोर करेंगे और ये 1 के नीचे 2 है तो प्लस 2 और 1 के नीचे 1 है तो प्लस 1, इसको ऐड कर लेंगे तो 32 + 2 + 1 = 35। तो 35 base 10 ये आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। आइए क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 2 में है कन्वर्ट करना हमें 1101010, ये डेसिमल नंबर, इसे हमें बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है, हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो जो नंबर दिया है कि पहले उसे हम कॉपी कर लेंगे 1100010। अब राइट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे, पहले के नीचे 1, दूसरे के नीचे 1, 2 जा 2, तीसरे के नीचे 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 16, 2 जा 32, 32, 2 जा 64। अब हम जिसके नीचे 1 है वो डिजिट लेंगे, 16 लेंगे, 32 लेंगे, 8 लेंगे, 2 लेंगे और 2 लेंगे और इन सबको ऐड कर लेंगे। जिसके 1 के नीचे वाले डिजिट को ऐड करेंगे, 0 के नीचे वाले डिजिट को इग्नोर करेंगे। तो 64 + 32 + 8 + 2 को ऐड करेंगे तो 106, इसका बेस 10, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है तो बेस 10 आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। तो 1101010 बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्म हो गया 106। एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 इसमें है कि 11001 इसको हमें क्या करना है, बाइनरी डेसिमल नंबर में चेंज करना है। इसे चेंज करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बाइनरी नंबर हमारा है 11001, तो फर्स्ट के नीचे 1, सेकंड के नीचे 1, 2 जा 2, थर्ड के नीचे 2, 2 जा 4, अगले के नीचे 4, 2 जा 8 और नेक्स्ट के नीचे 8, 2 जा 16। अब 1 के नीचे वाले नंबर को ऐड करेंगे, 16 लेंगे, 8 लेंगे और 1 लेंगे, बाकी 0 के नीचे वाले नंबर को इग्नोर करेंगे। तो हमें ऐड करना है 16 + 8 + 1, 16, 8 हो गया 24 और 1 = 25। ये आपका आंसर आ गया 25, ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने देखिए, आपके सामने जो है 7 क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ये बाइनरी नंबर में आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने बात किया बाइनरी नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर में कि हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।